हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टाइम ब्लॉक टू ऑफ MHI 6, और इसका हम यूनिट 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम वैदिक लिटरेचर, वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक टाइम में किस टाइप की सोसाइटी थी और कैसे वर्णास में लोग डिवाइडेड थे, क्या रोल था वर्णास का. ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी हैं. तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन से. एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू एम ए हिस्ट्री इग्नू, यू कैन चेक आउट इन द प्ले लिस्ट. मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर फर्दर अपडेट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, डिस्कस द रोल वर्णा प्लेड ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स. वॉज इट द सोल आइडेंटिटी अवेलेबल टू मैन ऑफ दिस पीरियड. सबसे पहले हमें बताना है कि वर्णास जो थे उनका क्या रोल था वैदिक टाइम्स में. हम जानते हैं कि वैदिक पीरियड में वर्णास जो थे, यानी कास्ट सिस्टम, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का बहुत बड़ा रोल था. तो वो हमने डिस्कस करना है और फिर हमें बताना है. नेक्स्ट वाला पार्ट हम आगे देखेंगे. ओके, सो टर्म वर्णा की जब हम बात करते हैं तो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है कलर. बट जब हम इसको वैदिक पीरियड में या वैदिक कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सोशल कैटेगरीज, मतलब सोसाइटी में लोगों को उनकी रैंक, उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है. अब इस पोजीशन को भी हम दो नज़रिए से देख सकते हैं. पहला ये कि जो प्रीस्ट होता था, यानी जो ब्राह्मण है, उसको ये राइट था कि वो दूसरे लोगों को और अपने आप को किसी भी रैंक में, किसी भी स्टेटस में डाल सकता था. एंड सेकंड, जो लोग हैं जिनको ये रैंक मिल रही है, ये भी उन पर डिपेंड करता था कि चाहे वो उन रैंक को, उन स्टेटस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. अब ये वर्णास क्या थे, कहाँ यूज़ होते थे, इसका एक एग्जांपल दिया है. ऋग्वेद में दो वर्णास, आर्या और दासास के बीच में डिफरेंस करने के लिए इस टर्म वर्णा का यूज़ किया गया है. अब इन दोनों में जो डिफरेंस था वो क्या था, इनका लैंग्वेज में डिफरेंस था, इनके कल्चर अलग थे, रिलीजियस प्रैक्टिस इनकी अलग थी, प्लस ये आपस में राइवल भी थे. क्योंकि एक जगह हमें ऋग्वेद में रेफरेंस पे मिलता है कि आर्यास प्रे कर रहे हैं अपने गॉड से कि वो दासास से जीत जाएं, उन्हें विक्ट्री मिल जाए. तो इस तरह से हमें वर्णास का रेफरेंस देखने को मिलता है ऋग्वेद में. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग रेफरेंस है जो हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो नॉर्मली हम लोग सब जानते हैं, हमने 8th क्लास से इस चीज़ को पढ़ा है कि फोर फोल्ड वर्णा, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उसका रेफरेंस हमें ऋग्वेद में मिला है. अच्छा, अब एक चीज़ हम जान लें कि ये जो हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, इसको वैदिक क्यों कहते हैं. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पीरियड में वेदास लिखे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद. तो ये चार वेद हैं और इनमें सबसे अर्लीस्ट जो वेद है वो ऋग्वेद है. तो जब हम ऋग्वेद को एज अ सोर्स यूज़ करते हैं तो इट इज़ अंडरस्टूड कि हम अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं. अब ऋग्वेद में लिखा क्या है, तो ऋग्वेद में हिम्स हैं, 1028 हिम्स लिखी हुई हैं ऋग्वेद में. अब ये हिम्स क्या होती हैं, हिम्स होती हैं वो ऐसे सॉन्ग्स और पोएम्स जो गॉड के लिए लिखे गए हों, उनकी तारीफ के लिए लिखे गए हों. अब ये जो हिम्स हैं इनको ना 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड किया गया है, या 10 चैप्टर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनको मंडल बोलते हैं. तो अब इन्हीं मंडल में से जो 10th मंडल है, उसकी एक हिम जिसका नाम पुरुष सूक्ता है, उसमें इस फोर फोल्ड वर्णा का जिक्र किया गया है, उसको मेंशन किया गया है. अब ये रेफरेंस बताता है कि किस तरह से ये चार वर्णा क्रिएट हुए. तो इसमें बताया जाता है, ये डिस्क्राइब करता है कि एक प्राइमल मैन, यानी कि एक बहुत ही पुराना आदमी, उसके सेक्रीफाइस से, यानी उसकी बलि चढ़ाई गई जिससे कि ये चार वर्णा निकले. जो आदमी है उसके माउथ से ब्राह्मण निकले हैं, आर्म से क्षत्रिय निकले, थाई से वैश्य निकले, और उसके फीट से शूद्रा निकले. अब इस रेफरेंस से ना दो आइडियाज सामने आते हैं. पहला ये कि जो ये फोर फोल्ड ऑर्डर है या वर्णा सिस्टम है, इसका ओरिजिन कैसा है, डिवाइन है, यानी ऊपर से बन के आया है, ये गॉड का फैसला है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. एंड सेकेंड कि इनमें क्लियर कट हायरार्की दिख रही है, यानी कि क्लियरली डिवीजन दिख रहा है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो टॉप पर रहेंगे और बाकियों की जो पोजीशन है वो नीचे रहेगी. अब इस डिस्क्रिप्शन के अलावा जो हमें और रेफरेंसेस मिलते हैं वर्णास को लेकर, वो बहुत कम है. और जो हमें प्रीस्ट के बारे में जो रेफरेंस मिलता है, वो ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये क्लियरली ब्राह्मण्स की बात हो रही है या क्षत्रिय की बात हो रही है. तो स्कॉलर्स का मानना है कि जो अर्ली वैदिक फेस था, उसमें जो ये वर्णा सिस्टम का जो आइडिया था, ये अनडेवलप्ड था, यानी इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था.
तो इसीलिए अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक फेज की, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे नए डेवलपमेंट होते हैं जो वर्णा है वो मेन की एक आइडेंटिटी बनता है। तो ये जो आइडेंटिटीज़ थी वो तीन थी बेसिकली। पहली थी कि वो लोग जिनको रिचुअल डोमेन में, रिचुअल डोमेन की जिनको पोजिशन मिलेगी, यानी कि जो भी पूजा पाठ है, जो भी रिलीजियस वर्क है, वो उनकी उनकी ड्यूटी होगी। सेकेंड, पॉलिटिकल पावर, कि जो पॉलिटी है वो उनके हाथ में होगी। फिर जो रिसोर्सेज हैं वो किन के पास होगी। तो ये तीन आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ब्राह्मण तो टॉप पर थे, बट ज़रूरी नहीं था कि जो दूसरे वर्णास के मेंबर थे उन्होंने इस चीज़ को, यानी कि वर्ण को अपनी आइडेंटिटी मानने को एक्सेप्ट किया होगा। वर्ण सिस्टम तो बन गए, बट अब उनके सामने कुछ क्वेश्चंस भी आए। जैसे अगर रिचुअल डोमेन की हम बात करें, तो पहला इश्यू ये था कि ब्राह्मण किन लोगों को कहा जाएगा, क्या क्राइटेरिया होगा किसी भी इंसान का जो वो एक ब्राह्मण कहलाए। तो दो चीज़ों की इसमें बात की गई। पहला था कि बर्थ, कि बाय बर्थ वो ब्राह्मण होना चाहिए, जन्म से ही ब्राह्मण फैमिली में पैदा होना चाहिए। और सेकंड, उससे श्रुति की यानी रिचुअल ट्रेडिशन जो थे उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा जितने भी लोग होंगे प्लस वुमेन जो अलग अदर कैटेगरी में होंगे, वो सब इस वाली कैटेगरी यानी ब्राह्मण कैटेगरी से एक्सक्लूड कर दिए गए। सेकेंड प्रॉब्लम थी कि रिचुअल में पार्टिसिपेट कौन करेगा, क्योंकि रिचुअल को कराने वाले रिचुअल स्पेशलिस्ट जो हैं वो तो ब्राह्मण होंगे, बट पार्टिसिपेट कौन करेंगे, किनके लिए रिचुअल हो रहे हैं। तो इसका क्या आंसर था कि वेल्दी पैट्रॉन्स, यानी वो अमीर लोग, राजा, क्षत्रिय, उन लोगों को इस चीज़ में, इस पोजीशन पर इम्पोर्टेंस दी गई। जो उनकी वाइव्स होती थी, उनके बेटे होते थे, उनके सपोर्टर होते थे, उनको इन रिचुअल में इंक्लूड किया जाता था। रिचुअल क्या होते थे, वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे कि यज्ञ वगैरह। एंड थर्ड क्वेश्चन वॉज कि जो रिचुअल्स हो रहे हैं उनकी कितनी इम्पॉर्टेंस है। अब रिचुअल्स जो थे उन पर किनका कंट्रोल था, ब्राह्मण्स का था, वही वो लोग कराया करते थे। बट आफ्टर दिस पीरियड, जब पोस्ट वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि इन रिचुअल्स की जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होने लगी थी। धर्मशास्त्र के लिखे जाने के बाद ब्राह्मण्स का रिचुअल डोमेन पर कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है, और धर्मशास्त्र के तहत इन्हें 6 मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलते हैं, यानी 6 चीज़ें करके ही अपनी ज़िंदगी चलाएंगे। तो 6 चीज़ें क्या थी, वेदास को टीच करना और स्टडी करना, सेक्रीफाइसेस करना और करवाना, गिफ्ट्स को रिसीव करना और देना। तो ये ब्राह्मण्स के अंडर था। इसी तरह से क्षत्रियास के भी कुछ अपने रोल थे। क्षत्रियास का डोमेन था पॉलिटिकल पावर, उनको संभालनी थी पॉलिटी, यानी जो राजपाट था वो उनके हाथ में था। अब लेटर वैदिक लिटरेचर में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसमें ये बात की गई है कि किस तरह से उन्हें पॉलिटिकल पावर को एक्सेस करना है, उसको हासिल करना है, उसको पाना है। और साथ ही उसमें ये भी बताया गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं किसी भी क्षत्रिय के लिए जब वो पॉलिटिकल पावर को अचीव करेगा। सो पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि कंपटीशन होना है ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के बीच में, या राइवलरी होगी। बट जो टेक्स्ट है वो ये बताता है कि इन झगड़ों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और पहली चीज़ तो यही, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो सुपीरियर हैं तो वही जीतेंगे, तो एक रूलर को जो क्षत्रियाज हैं उनको ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी को मानना चाहिए और दोनों को कॉपरेट करना चाहिए। सेकेंड जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप बिटवीन क्षत्रियाज एंड वैश्याज, जो वैश्य और क्षत्रिय के बीच में जो रिलेशन। अब वैश्यास में आते थे फार्मर्स, फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करते थे उसको यूज़ कौन करता था, क्षत्रियाज यूज़ किया करते थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारी मेंटेनेंस के लिए उसकी ज़रूरत है। तो क्या है, एक तरह का म्यूचुअल सपोर्ट होना दोनों का ज़रूरी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें, इस चीज़ की नीड है। तो इसमें इसके लिए क्या सजेस्ट किया जाता है कि दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, कि जो वैश्य के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं उनको राजनीति में आ जाना चाहिए। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, विलेज हेडमैन, जिसे सरपंच बोलते हैं, जिसे संस्कृत में ग्रामीणी बोला गया है, क्योंकि वो गांव का आदमी भी है और फिर किंग को सपोर्ट भी करेगा। अब धर्मशास्त्र में क्षत्रियास के लिए भी कुछ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड लिखे गए हैं, जैसे कि वेदास का पढ़ना और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाना, गिफ्ट्स देना, और इसके अलावा टैक्सेस कलेक्ट करना, जस्टिस देना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में वर्णा सिस्टम को जो मेंशन किया गया है उसमें क्षत्रियास को ब्राह्मण से पहले पोजिशन किया गया है, जो ये शो करता है कि ब्राह्मण्स ने जो भी नॉर्म सेट किए थे वो हमेशा फॉलो नहीं होते थे।
अब इन वर्नास की अगर हम रिसोर्सेज की बात करें कि इनको कहाँ कहाँ से चीज़ें मिलती थी जिससे ये अपनी ज़िंदगी चलाते थे, तो ब्राह्मण्स का काम चलता था गिफ्ट से, क्षत्रियाज जो थे वो वॉर किया करते थे उससे अपना रिसोर्सेज ऑब्टेन करते थे, फिर कुछ टैक्सेस भी लगाया करते थे, और वैश्यास को माना जाता था बैकबोन ऑफ द सिस्टम क्योंकि वो एग्रीकल्चर करते थे, पास्टोरलिज्म करते थे और ट्रेड भी करते थे। वर्ना सिस्टम में सबसे नीचे जिसकी पोजिशन थी वो थे शूद्रास, और इनका बहुत ही कम हमें डिस्क्रिप्शन में मिलता है लेटर वैदिक टेक्स्ट में। रिचुअल्स में ये ओकेजनली पार्टिसिपेट करते थे यानी कभी कभी, और अगर जहाँ कहीं भी ये प्रेजेंट होते थे तो उसके लिए क्या बताया गया था, प्रिकॉशंस कि अपना बचाव कैसे करना है इन लोगों से। एंड लेटर धर्मशास्त्राज में इनका सिर्फ एक ही रोल बताया गया है और वो क्या है, जो ऊपर के तीन वर्नाज हैं उनको सर्व करना शूद्रास का काम है। और इसके बाद हम जानते हैं कि अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की भी शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी हमें कुछ राइटिंग से पता चलता है कि शूद्रास भी वेल्दी हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल नंदा डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर से पहले जो नंदा डायनेस्टी थी वो लोग भी रूलर रह चुके थे और वो बाय ओरिजिन शूद्रास थे। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो वर्ना ऑर्डर ब्राह्मण्स ने सेट किया था वो कम्प्लीटली वैसे ही फिक्स नहीं था जैसे उन्होंने सेट किया था, बल्कि उनमें कुछ चेंजेस किए जा सकते थे। सो दिस वॉज द रोल प्लेड बाय वर्ना सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स। और इसका सेकेंड क्वेश्चन है कि जो वर्ना है वो क्या सिर्फ वही आइडेंटिटी थी आदमियों की? तो इसका आंसर होगा कि जो वर्ना आइडेंटिटीज थी वो कभी भी आदमियों की सोल आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं वैदिक पीरियड में जो वर्नास को इंपॉर्टेंस दी गई थी वो कैसी थी, मार्जिनल थी। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ पितृ। तो पितृ का यहाँ पर जो कनेक्शन है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी से है। तो हम जानते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में पैट्रियार्कल सोसाइटी होने लगी थी, यानी जो बेटे का जो जन्म था, बेटे की जो बर्थ थी उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी थी। उसके लिए बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे कि भाई बेटा पैदा हुआ हो, और जो डॉटर्स थी उनको एक नेगेटिव एलिमेंट की तरह देखे जाने लगा था। जो पेरेंट्स थे उनके लिए दुख की बात थी अगर उनके यहाँ बेटी पैदा होती थी। फादर सन रिलेशनशिप, बाप बेटी की जो एक बॉन्डिंग थी, जो रिश्ता था, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। और ये जो आइडिया था ये कहाँ से आया था, ये एक कंसेप्ट से आया था जिसका नाम था पितृ, और इसका मतलब होता था पेट्रिलिनियन एंसेस्टर, यानी बाप की साइड से जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे बाप दादा हैं, उसको इंपॉर्टेंस दी जाने लगी थी। अब ये जो पितृ का कंसेप्ट था ना, ये ऋग्वेद में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऋग्वेद के जिस मंडल में इस पितृ कंसेप्ट को मेंशन किया गया है वो 10th मंडल है, जो कि ऋग्वेद का लास्ट सेक्शन है। जो लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं उनमें ज़्यादातर पितृ कंसेप्ट को मेंशन किया गया है, और मोस्टली हर रिचुअल ओकेजन में उसको बताया गया है। अब पितृ को कैसे डिफाइन किया गया है कि तीन जनरेशन है पेट्रिलिनियन एंसेस्टर की जो कि पितृ होती हैं, पहले बाप फादर, फिर ग्रैंडफादर और फिर ग्रेट ग्रैंडफादर। तो उनकी मेमोरीज़ को प्रिजर्व रखने के लिए प्रेयर्स होती थी कि इनकी जो यादें हैं वो हमारे साथ रहेंगी। बाकी जो दूसरे एंसेस्टर्स थे जो मदर की साइड से थे मैट्रिलिनियल, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। और जो पितृ का जो कंसेप्ट था जिसमें फादर और सन के बॉन्ड की रिलेशनशिप की बात की गई, उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था कि इसका मतलब था कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर किसका कंट्रोल होगा, बेटे का कंट्रोल होगा, क्योंकि बाप दादा की जो ज़मीन जायदाद है वो अब किसकी होगी, बेटे की होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द रिलेशनशिप विद अदर किन्समैन गेटिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड इन दिस पीरियड। सो हमने फादर सन रिलेशनशिप तो पढ़ी जो कि बहुत अच्छी थी, बट और जो रिलेशनशिप्स थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई थी इस टाइम पर। कॉम्प्लिकेट होने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था और इनइक्वालिटी थी। पेट्रिलिनियन लाइनेज जो थी उसकी तो इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी, वो ग्रो कर रही थी बाय द टाइम। बाकी जो अदर रिलेशनशिप्स थी वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। तो इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज हैं, पहली है जिसमें मैरिज के थ्रू जो रिश्ते बनते थे वो कॉम्प्लिकेट हो रही थी, और दूसरा था वो रिलेशनशिप जिन्हें एक पोटेंशियल राइवल की तरह देखा जाता था, यानी एक एनिमी की तरह देखा जाता था। सो फर्स्ट कैटेगरी में आते थे फादर इन लॉ और मैटरनल अंकल, और पोस्ट वैदिक पीरियड में दोनों ही को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी और हॉस्पिटैलिटी यानी उनकी आवभगत की जाती थी, और बाय द टाइम उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं भृत्वे एंड सपत्ना, ये संस्कार
संस्कृत वर्ड हैं जिनका मतलब होता था ब्रदर लाइक मैन और दूसरे का मतलब था राइवल। राइवल में कौन लोग थे, वो ऐसे आदमी जिनकी वाइफ जो है वो कॉमन है। तो ऋग्वेद में बहुत कम इनका जिक्र किया गया है, बट लेटर वैदिक टेक्स्ट में इनके बारे में बताया गया है, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी गई है और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स दिए गए हैं जो कि इनके बीच में जो झगड़े हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। सो इन दो कैटेगरीज के अलावा हमें और भी रिलेशनशिप्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हुई दिखती हैं, जैसे कि समान, स्वा और सुजाता। लेटर वैदिक टेक्स्ट में इनके बारे में बताया गया है कि किस तरह से इन ग्रुप्स का सपोर्ट गेन करना है, बट साइड बाय साइड हमें इन्हें सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट करना है, यानी अपने से नीचे रखना है। तो हम एक तरह से देखते हैं कि इस वाले पीरियड में किनशिप रिलेशंस जो थे वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे, यानी उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और इनइक्वालिटी थी। सिर्फ एक ही रिलेशनशिप थी जो एक्सेप्शन था, यानी कि सिर्फ उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं था और वो था फादर और सन की रिलेशनशिप में, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। सो हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। एंड गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है उसको भी एक्सप्लेन करूँ, सो प्लीज़ टेल मी इन द कॉमेंट्स सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज, इफ़ आई एम एबल टू हेल्प यू इवन अ लिटिल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and thank you for watching.